जय श्री अलसी, मैं मोहनलाल यादव उदयपुरिया से। मेरी बेटी 2021 में नीट की तैयारी करने के लिए वो 19 में ही गई थी, 20 में कोरोना लग गया और 21 में वो अच्छे मार्क्स से SPMC बीकानेर मेडिकल कॉलेज में है। और मैं बॉस को यही कहना चाहता हूँ, सीकर में अगर आप जाओ ना तो किसी भी कोचिंग में जाओगे ना तो आपको वहाँ खड़ा कोई मिलेगा नहीं। मैं एक बार गया था और मेरे साथ वाले का बच्चा कोई दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा था और मैं जैसे ही वहाँ उधर से गुजर रहा था मैंने उसको विजिट करवा के लाया कि आपका उधर पढ़ रहा है और मेरी बेटी इधर पढ़ रही है। और मैं जैसे ही उसको पूरा मैस वैस कोचिंग वगैरह वहाँ दिखा के वापस आ रहा था, जैसे ही मैं रास्ते में से गुजर रहा था, बॉस का घर रास्ते में पड़ता है, बॉस कहीं जाने के लिए अपनी मर्सिडीज गाड़ी को खड़ी करके ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे। तो जब जैसे ही बॉस ने एक पैर रखा और हम दोनों को आते देख के बॉस ने वापस उतर गए और हमें अंदर ले जाके चाय पिलाई और आधे घंटे के लिए हमारे साथ बैठे और ड्राइवर और गाड़ी स्टार्ट करी थी। तो उसको मैंने बोला कि ये है CLC के डायरेक्टर, जिस कोचिंग में आपके बच्चे को पढ़ाते हो वो देखना तो दूर की बात, आपसे बात भी नहीं करेंगे। इसके बाद में वो दूसरी साल में अपने बच्चे का उसमें हुआ नहीं, वो अपनी CLC में एडमिशन करवा दिया। मैंने उनको बोला कि देखो ये हैं सर हमारे सर और ऐसे करते हैं, हमारे सर विश्वास ऐसे करते हैं किसी बच्चे पे और गार्जियन पे। जय CLC।